समुद्र की पुरातात्विक नगरी सिरपुर में अश्वना के सुरंग नुमा गड्ढा मिलने से सभी लोगों में उसे देखने के लिए कौतूहल जैसी स्थिति बन गई। सुरंग मिलने की खबर से प्रशासनिक अमले के साथ ही स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर सिरपुर पहुंचकर उसका जायजा लिया। पुरातत्व विभाग की टीम भी जांच पड़ताल की सिरपुर पहुंच गई है। पुरातत्व विभाग की टीम ने निरीक्षण और जांच में ये पाया है कि एक प्राकृतिक निर्मित गड्ढा है। जांच के बाद सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए गड्ढे को भरने की सलाह दी गई है। शनिवार को ग्रामीणों के द्वारा ऐसी सूचना मिली कि वहां एक सुरंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिरपुर ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से शुरू से क्या प्रसिद्ध भूमि रहा हुआ है, तो सुरंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। तत्काल जो है पुरातत्व विभाग की टीम को सूचना दी गई। गड्ढा नुमा सुरंग मिलने से जहां पर हड़कंप की स्थिति मच गई, जिसके बाद ये पता लगाया गया कि एक प्राकृतिक निर्मित गड्ढा है जो खुद ब खुद अपने आप बन गया। सिरपुर में अचानक सुरंग नुमा गड्ढा मिलने से लोगों में कौतूहल देखा गया। रेखराज साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रेखराज, ये प्राकृतिक निर्मित गड्ढा बताया जा रहा है, हालांकि इसके जब ये सुरंग नुमा गड्ढा यहाँ पर दिखा जिसके चलते लोगों में कौतूहल की स्थिति देखने को मिली। जी, बताना चाहूंगा कि सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ में महानंदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इतिहास में इस जगह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार का केंद्र होने के साथ साथ ही दक्षिण कौशल की राजधानी था और सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी कराया था। उत्खनन में यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ के अलावा बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में निकले, इसलिए लोग जो है इस सुरंगनुमा गड्ढा को भी ये समझ रहे थे कि ये जो है ऐतिहासिक जो है सुरंग निकला हुआ है। रविवार की सुबह जब अचानक लोगों ने गड्ढा देखा तो सभी जगह सुरंग की खबरें और इसका वीडियो जो है वायरल होने लगे। पुरातत्व की नगरी में सुरंग मिलने की खबर जो है प्रशासनिक अमले के साथ साथ स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव को भी लगी। सूचना मिलने के बाद जब सिरपुर पहुंचकर जायजा लिया और इस मामले की पूरी जानकारी जो है पुरातत्व विभाग रायपुर को पहली बार देखा गया, इससे पहले भी लोगों ने देखा था इस सुरंग को। जी, सुरंग जो है पहली बार देखा गया है। यज्ञ स्थल है सिरपुर पर, जहाँ पर बोलबम कांवरियों का जो है कांवर सजते हैं, वहाँ पर एक गड्ढा नुमा सुरंग देखा, पहली बार सुरंग देखा गया। उस सुरंग को ये मान रहे थे कि लोग जो है इस सुरंग में जो है चारों तरफ रास्ते हैं और काफी गहरा है बोल के, लेकिन जब वहाँ पर पुरातत्व स्थल पुरातात्विक लोग जो है रायपुर की टीम आए, उन्होंने ये बताया कि ये मानव निर्मित जो है सुरंग नहीं है, ये प्राकृतिक निर्मित सुरंग है बोल के। बहुत शुक्रिया देख रहा है जानकारी के लिए।